ये तस्वीरें अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी के कार्यालय की हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सत्ता से विदाई क्या हुई, गाहे बगाहे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अंतर विरोध ऐसी बैठकों में सामने आ ही जाता है। फिलहाल प्रदेश में निकाय चुनाव है और इन चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। टिकट बांटने में कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे ने बीजेपी को परेशान कर रखा है। वहीं कुछ नेताओं ने नाराजगी के चलते चुनाव से दूरी बना ली है। सिस्टीफाई वार्ड से पहले से ही मुझे बोला गया था कि काम करो, रात को टिकट देंगे करके, और उसके बाद अभी जो है टिकट काट के एक घरेलू महिला जो ना वो सदस्य है ना वो ये है सक्रिय सदस्य है, कुछ भी नहीं है, वो बीजेपी की मेंबर भी नहीं है, वैसे लोग को दे दिया। हाँ, हम लोग के साथ तमाशा करें, मैं 31 साल पुरानी कैंडिडेट हूँ, माननीय मोदी जी को नहीं छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मैं इन लोग के साथ लड़ाई कर रही हूँ। और नाराज हैं, कुछ लोगों को उम्मीद थी टिकट मिलने की और उन लोगों को टिकट, सबको टिकट देना संभव नहीं था, तो उनको भी टिकट नहीं मिल पाया, तो उनसे बातचीत करके उनको समझाइश दिया जाएगा। हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, सब मान जाएंगे ऐसी उम्मीद। बीजेपी में टिकट को लेकर चल रही खींचतान पर कांग्रेस चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बड़े नाम और दाम वालों को टिकट देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बीजेपी में इस तरह की लड़ाइयों को कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इतना दूर क्यों है, जो 15 साल सरकार में रहने के बाद उनका संगठन और मजबूत होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं आज जो सच्चाई को डॉक्टर रमन सिंह जी भी स्वीकार कर रहे हैं। पिछले 15 साल से कांग्रेस जिस गुटबाजी की समस्या से जूझती रही है, वो इस बार कांग्रेस के बजाय बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी के स्वर ना के बराबर रहे, वहीं बीजेपी में सिरपटावल ने नेताओं का सिरदर्द बढ़ा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है टिकट की फाइट। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लगातार अपने आप को एकजुट करने की कवायद में जुटी बीजेपी के लिए गुटबाजी अब हर चुनाव में समस्या बनकर सामने आ रही है। इस बार के निकाय चुनाव में भी पार्टी की अंतर्कलह जीत में रोड़े साबित हो सकती है। जगह जगह टिकट वितरण के बाद पार्टी में असंतोष नजर आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि ये गुटबाजी निकाय चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाता चलूं। प्रमोद दुबे जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आज जो कुछ तस्वीरें रिपोर्ट हमने दिखाई हैं उस पर उनसे ज़रूर कुछ सवाल करेंगे और वो अपनी पार्टी की तरफ से क्या जवाब देते हैं ये भी ज़रूर सुनेंगे। रवि भोई मेरे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में जाना माना चेहरा हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। रवि साहब, शुरुआत आपसे करूंगा मैं और आपका ओपनिंग कमेंट जो रिपोर्ट हमने दिखाई, स्थानीय चुनावों की अगर बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई है और ये भी कहना गलत नहीं होगा जो आपका रूट लेवल का कार्यकर्ता है वो इस चुनाव में न सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़वाता है बल्कि वो कहीं कहीं इसका हिस्सा भी बनता है। पंच के चुनाव हों, सरपंच के चुनाव हों, वार्ड पार्षद के चुनाव हों, ये वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो लड़ते हैं, पार्टी के लिए जीतते हैं और फिर पार्टी में अपना कद बढ़ाने के बाद बड़े नेता बनते हैं। इस रूट लेवल के ऊपर अगर टिकट जैसी चीज़ को लेकर कुर्सियां फेंकने जैसी घटना, मारपीट करने जैसी घटना और बगावत के सुर जैसी चीज़ें अगर नज़र आ रही हैं, कितनी चिंता की बात बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ नज़र में रखिएगा और टारगेट 2023 होगा। देखिए सोहेल जी, जिस तरह के तस्वीरें आ रही हैं ये तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद जो सत्ता से बाहर हुई तो हर कार्यकर्ता में एक अपेक्षा जग गई है
और जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनको लगता है कि हमें अवसर मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ वो काम करते रहते हैं और जब टिकट नहीं मिलती तो इस तरह की नाराजगी आती है। और इस तरह जब सत्ता से बाहर होती है कोई भी पार्टी तो उसमें ज्यादा देखने को मिलता है और उनमें लगता है कि सत्ता से बाहर हैं तो एक अनुशासन की कमी रहती है, सरकार का भय भी कम होता है। वही नजारा बीजेपी में दिखाई अभी पड़ रहा है और ये 2023 के चुनाव का है एक संकेत है कि जो अपेक्षाएं हैं और कार्यकर्ताओं में ये लग रहा है कि हम जितना अपना ताकत दिखा सकते हैं वो आने वाले चुनाव में हमको उतना महत्व मिलेगा। जहां तक नगरीय निकाय का चुनाव है या लोकल बॉडीज के चाहे पंच सरपंच हो उसमें जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, वो बैकबोन होते हैं पार्टी के और वही काम करते हैं और जब उनकी उपेक्षा होती है तो उनमें स्वाभाविक नाराजगी होती है, कई तो अपना पूरा सब कुछ न्योछावर करके काम करते हैं। तो ये भाजपा के लिए बड़ी चिंताजनक है और जब वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही 2023 में तो उसको इसको संभालना होगा और कई तरह की इसमें गुटबाजियां कई तरह की रंग इस चुनाव में भाजपा के भीतर दिखाई दे रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया कमेंट के लिए और जहां से आपने बात छोड़ी कि बीजेपी के लिए वाकई ये चिंता की बात है और आने वाले 2023 के लिए बीजेपी को ये तमाम चीज़ें संभालनी भी होंगी। यही सवाल मुकेश शर्मा साहब आपकी तरफ, तस्वीरें यकीनन पार्टी के आला नेताओं ने भी देखी होंगी और ये रिपोर्ट अब ऊपर तक पहुंची भी होगी, क्या कुछ बीजेपी के भीतर चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है या फिर ये चिंता की बात है और आगे इसको बहुत गंभीरता के साथ लेना होगा पार्टी को? देखिए सोहेल जी, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं, सबको लगता है कि टिकट मिलनी चाहिए और इस प्रकार की बात, जब चुनाव के पहले टिकट बढ़ता है तो एक दो ऐसी छुटपुट घटनाएं हो जाती है और उस कार्यकर्ता से बात भी की गई है, उनके नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी किया गया है और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है इस चुनाव में भी और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जिस प्रकार इन्होंने शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य को टोटली ठप कर दिया है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों का झुकाव है और सभी कार्यकर्ता मिलकर लगातार संगठन के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो। इन सभी जगह आप देखेंगे ये 387 सीट पे अभी चुनाव हो रहे हैं, अधिकतर सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। नाराजगी जैसे कोई बात नहीं है, एक दो छुटपुट घटनाएं हुई है और वो भी ठीक कर लिया गया है। चलिए प्रमोद दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रमोद साहब, इससे पहले जब हमने छत्तीसगढ़ में स्थानीय चुनाव देखे, ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और इस बार 2023 से पहले का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई स्थानीय चुनाव नहीं होगा, सीधे आप लोगों को 2023 में जाना होगा। जो 2023 जीत का दावा है कांग्रेस का, वो आज की जो तस्वीरें हैं बीजेपी की, क्या कांग्रेस की जीत के दावे को ये तस्वीरें और मजबूत करती हैं? आपको लगता है कि बीजेपी के भीतर जो कुछ खलबली इस वक्त मची हुई है इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलेगा? नहीं सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति नीतियां हैं, उससे हमको फायदा इस आधार पर नहीं उठाते, लेकिन ये सोचनी विषय है कि भिलाई जैसे नगर निगम में अगर दो टिकट को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वापस करते हैं जी, टिकट के लिए जद्दोजहद करना ये अलग बात हो गई, लेकिन मिली हुई टिकट को आज तक इतने बड़े राजनीतिक दल में कोई वापस करता है क्या? ये चिंता का विषय है। और जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में संस्कृति और संस्कार को लोग भूल गए थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या थी, यहाँ के संस्कार क्या थे, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपनापन था, त्योहार कैसे मनाते थे, ये सारी चीजों को भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद लोगों के मन में एक भावना जागृत हुई कि ये संवेदनशील सरकार है, लोगों के दिलों में काम करने का मादा रखती है। आपको याद होगा कि 2400 वर्ग फुट 5 डिसमिल जैसी जमीन जो होती थी उसकी रजिस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल बंद करके रखी थी। किसी के घर में शादी होती थी तो वो अपनी 2400 वर्ग फुट की रजिस्ट्री नहीं कर पाता था। ये ऐसे एक उदाहरण मैंने बताया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण थे जो
एक राजतंत्र में जहां की सरकारें होती है वहां भी इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है। एक बड़ा गैप हो गया है, यहाँ के बड़े नेता जो है वो उनका केवल चुनाव के समय उपयोग करते हैं, उसके बाद उनके हाल में उनको छोड़ देते हैं। वास्तव में बड़े जमीनी कार्यकर्ता थे, बहुत मेहनत करके उन लोगों ने 15 साल अपनी पार्टी को बचाए रखा। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाता है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में दरवाजा बंद कर दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को इस पार्टी में घुसने नहीं दिया जाता। और आप इतने बड़े नेताओं को देखिए, आपकी आदिवासी क्षेत्र के इतने बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले हुआ करती थी, कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी, अब वास्तव में बड़े नेताओं की पार्टी है, ये बड़े लोगों की पार्टी है, एक वर्ग विशेष के लोगों का जिनका आयकर प्रमाण पत्र में लगभग मुझे लगता है कि 2-4 करोड़ 10 करोड़ उनका टर्नओवर होगा, वही लोगों की पूछ परख होगी। तो कार्यकर्ता बेचारा जो भारतीय जनता पार्टी में था, वो जिन्होंने इतना मर के सरकार लाया उनको किनारे कर दिया गया और यही स्थिति सामने में है। आप देखिए डॉक्टर रमन सिंह साहब अलग अपनी ढपली राख खींचते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी का अलग ग्रुप है, प्रेम प्रकाश पांडे जी और वहाँ सरोज पांडे जी का 36 का आंकड़ा है, वहाँ साय साहब की अलग धोनी रहती है। तो कुल मिलाकर के गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है और कांग्रेस अपनी रीति नीतियों के अनुसार चुनाव लड़ती है। हम अपने मैनिफेस्टो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, आप अपनी आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। रवि भोई साहब, क्या इतिहास राजनीति का क्या कहता है और एक वरिष्ठ पत्रकार किस तरह से इस पूरे मामले को देखता है? क्या ये स्वाभाविक है कि जो पक्ष सत्ता की तरफ बैठा है, इस बीच अगर उपचुनाव होते हैं या नगरीय निकाय जैसे चुनाव, छोटे चुनाव होते हैं, तो एक हवा जो है वो सत्ता की तरफ बनती है, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलता आपको नजर आता है छत्तीसगढ़ में? देखिए सोहेल जी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जिस पार्टी की सत्ता होती है वो कोई भी उपचुनाव होता है विधानसभा में या ऐसे नगरीय निकाय चुनाव होते हैं जी, तो एक उनके पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता है और जनता भी ये कहती है कि डेवलपमेंट के काम तभी होंगे जिसकी सरकार है जी। तो एक स्वाभाविक तौर से एक सत्ता पक्ष को इसमें लाभ मिलता है और हमेशा से, चाहे बीजेपी की रही है तो बीजेपी को फायदा मिला, कांग्रेस आई है तो लग रहा है कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा। और देखिए आप, कांग्रेस में जब सत्ता में नहीं थी 15 साल तो कई घटनाएं अनुशासन की बात आती थी और अब वो बीजेपी में दिखाई पड़ रहा है। सत्ता से बाहर रहने के बाद जो कार्यकर्ताओं में उबाल होता है वो दिखाई पड़ता है, वो भाजपा में दिख रहा है और उसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा उठाती रही है। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। मुकेश शर्मा साहब, आप सुन रहा होंगे, रवि भोई साहब का कहना है कि ये सत्ता जाने की छटपटाहट भी होती है, अगर बीजेपी के भीतर ऐसा हो रहा है तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। जब कांग्रेस विपक्ष में लगातार 15 साल तक रही तब वहाँ पर भी अनुशासन तोड़ने जैसे मामले कई बार सामने आते रहे। तो क्या वाकई बीजेपी को दोबारा अनुशासित होने के लिए सत्ता में लौटना ज़रूरी होगा या फिर बीजेपी इस पर अभी से ग्राउंड वर्क शुरू करेगी? सोहेल जी, बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है। प्रमोद दुबे जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नगरी निकाय में बड़े पद में रहे, बहुत अच्छे से जानते हैं। रही बात पार्टी के अंदर अंतर्कलह की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात करने की आवश्यकता नहीं है और सभी लोग जान रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे, आप भी जान रहे हैं जो माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर में पिछले 3-4 महीनों से रहा है। अंतरकला की स्थिति बनी हुई है। बीच में तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि पता नहीं कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मंत्री रहेगा, ये भी लोग समझ नहीं पा रहे थे जी। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस में ज्यादा है। और रही बात माननीय प्रमोद दुबे जी कह रहे थे कि हम अपने एजेंडा को लेके जाएंगे, मैं वही बात दोहराता हूं जी। ये जो घोषणा पत्र लेके आए थे विधानसभा चुनाव में, इनमें इसमें सबसे बड़ा मुख्य बिंदु था कि ये पूर्ण शराबबंदी करेंगे और लगभग 20 लाख बेरोजगार
युवा हैं जिनको ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, ऐसे अनेक इनके घोषणा थे जिनको ये पूरा कर नहीं पाए हैं। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात पे लोगों को नाराजगी है कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग जी वास्तव में इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो आने वाले चुनाव से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीद थी लोगों को वो पूरी नहीं हुई है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर में विकास की बात करें तो प्रमोद दुबे जी भी समझ रहे होंगे कि नगरीय क्षेत्रों में जो विकास चल रहा था कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी गई है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए थे उस कार्यों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अनेक कार्य है रायपुर नगरी निकाय क्षेत्र में, आप देखेंगे ऐसे अनेक जगह है जहां पे फंड अलॉटमेंट हो गया था उसके बाद जो विकास कार्य रुके हैं वो आज तक चालू नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो आशा थी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस की सरकार से, इतने बड़े बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार आई थी और कहीं ना कहीं वो फेल हुई है। आर्थिक मोर्चे पे भी लगातार आप देखें तो लगातार छत्तीसगढ़ के ऊपर में कर्ज का बोझ बढ़ता गया है, जहां 15 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर में 36,000 करोड़ का ऋण लिया गया, वही 40,000 करोड़ का ऋण अभी तक लिया जा चुका है। तो ये सब मुद्दे समझ में आ रहे हैं, ठीक तो लोग समझ रहे हैं जी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को जो अपेक्षा थी, लोग जो चाहते थे कांग्रेस पार्टी से, वो लोगों को मिला नहीं है। वो जवाब ले लेते, कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि इनके करने, वो जवाब प्रमोद दुबे जी से ले लेते हैं। प्रमोद जी, हालांकि चुनाव अभी स्थानीय निकाय के हैं, लेकिन मुकेश शर्मा साहब 2023 के लिए जो आपके सामने चैलेंज रख रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात दरअसल आपने कही थी, उनका कहना है कि अभी वो मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ जो 2018 में आपने जनता से वादे किए थे। ऐसे में अगर इसको हम सेमीफाइनल मान लें निकाय चुनाव को, तो फाइनल में कड़ी टक्कर के लिए आपको मैनिफेस्टो का जवाब भी देना होगा। हमने जो मैनिफेस्टो बनाया वो 5 साल के लिए बनाया जी, और 36 में से हमने 24 चीजों को पूरी कर दी है। मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी केवल शराब और कमीशन की बात करती है, इसके अलावा शायद कोई विषय नहीं हो सकता इनके पास। लेकिन हम पहले भी हमने कहा, बताया आपको कि एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया था आपको। उसके अलावा आज अगर पूरे देश में अगर हमने तो नंबर वन इस स्टेट को नहीं लाया ना, आपकी कमेटी बनाई हुई थी, सेंट्रल की कमेटी बनाई हुई थी, वही माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी लगातार प्रथम आने का अवार्ड दे रहे हैं इस स्टेट को। तो हमने कुछ काम किया है, अच्छा काम किया है, उसी के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को या हमारे नगर निगम को, नगर पालिकाओं को अवार्ड मिल रहा है। एक स्टेट के 65 शहरों को इनाम मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, जो मात्र एक सप्ताह पहले हमने लिया है कि स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रथम पायदान पर आया, और पहली बार नहीं लगातार तीसरी बार हमने ये ख्याति अर्जित की है। तो भारतीय जनता पार्टी में मुकेश जी एक जिम्मेदार नेता है, वो और अच्छे प्रमुख कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती होती है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक आदत है कि वो जो उपयोग करना रहता है उन कार्यकर्ताओं को उपयोग बस कर लेते हैं, उसके बाद उसको 5 साल किनारे रखते हैं, उसके बाद वो 12-14 जो नेता होते हैं केवल उनकी तूती बोलती है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी नहीं चलाते, प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं उनकी आड़ में। ये बेसिक फर्क है, ये जनता की सरकार रहती है, जो कांग्रेस की सरकार रहती है जनता के द्वारा चुनी गई, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाली सरकार होती है। इसलिए हम अपने मैनिफेस्टो जो बनाते हैं वो जनता के लिए बनाते हैं, किसी खास वर्ग के लिए या खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बनाते। चलिए, जनता के भीतर भी वो खास लोग भी हैं, वो आम लोग भी हैं, और वो अंतिम व्यक्ति भी है समाज का, वो सब लोग जनता ही कहलाते हैं। और अब देखना होगा कि दरअसल जो कुछ वादे आपकी सरकार ने आने से पहले किए थे 2023 तक, वो तमाम वादे, वो मैनिफेस्टो में लिखी घोषणाएं सरकार पूरी कर पाती है या नहीं। लेकिन इस वक्त फिलहाल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल गर्म है, बीजेपी के भीतर से कुछ विरोध के स्वर फूट कर नज़र आ रहे हैं, ये स्वर कांग्रेस के भीतर भी हैं लेकिन बहुत कम हैं, अगर यूँ भी कहें कि ना के बराबर हैं तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी जीत का ऊंट किस करवट बैठता है, इसके लिए हमें कुछ और इंतज़ार
करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रमोद दुबे जी, मुकेश शर्मा साहब और रवि भोई जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।